फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑनर के लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है ऑनर 10। वैसे तो ये स्मार्टफोन 19 अप्रैल को ही अनवील होने वाला है, जिसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी इनवाइट सेंड आउट कर लिए हैं। बट अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम ऑनर 10 के बारे में। जैसे तैसे ही ऑनर 10 के रिलीज डेट नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही मार्केट में ऑनर 10 के लीक्स आ चुके हैं। वैसे तो ऑनर 10 के लीक्स पहले भी मार्केट में आ चुके हैं, बट फाइनली ये लीक्स टेना, जो कि चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन सर्टिफाइड एजेंसी है, उस पर लिस्ट हो चुके हैं। यानी कि ऑनर 10 के ऑलमोस्ट सारे कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। तो अगर हम ये टेना के लिस्टिंग के हिसाब से जाए तो ये स्मार्टफोन 4 डिफरेंट वेरियंट्स में लिस्टेड है, जो कि है COL TL00, COL TL10, COL AL10 एंड COL AL00। बेसिकली ये 4 डिफरेंट वेरियंट्स डिफरेंट रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को इंडिकेट करता है। उसके बारे में तो डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम दूसरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ऑनर 10 में 5.84 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद LCD डिस्प्ले, एंड इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080 pixels x 2280 pixels। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन को देखे तो ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन में 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो हो सकता है। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में 2.36 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। एंड जैसे ही ये स्मार्टफोन प्रीमियम कैटेगरी में लिस्टेड है, तो इसमें हाई सिलिकॉन किरिन 970 का चिपसेट भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा ऑनर 10, अगर OS की बात करें तो ऑनर 10 विल रन ऑन एंड्रॉयड ओरियो 8.1, एंड इसके साथ साथ इसके ऊपर एक कस्टमाइज स्किन लेयर भी होगा, जो कि है EMUI 8.1 का। तो अब कैमरा के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन के रेयर पैनल में डुअल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें से एक कैमरा है 24 MP का एंड दूसरा कैमरा है 16 MP का। एंड इसके फ्रंट कैमरा में भी सेल्फी कैमरा है 24 MP का, एंड इसको काफ़ी ज़्यादा सेल्फी फोकस्ड कैमरा बनाया है। एंड इसके अलावा ये स्मार्टफोन में AI फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जहाँ पे 2 डिफरेंट सीन्स को वो एक साथ डिटेक्ट कर सकता है। कैमरा को देखें तो ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन का कैमरा इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू Huawei P20 का कैमरा। एंड अभी हम बैटरी के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में 3320 mAh की बैटरी रहेगी। वैसे तो टेना पे इमेजेस इतने लीक नहीं हुआ है, बट एक जो इमेज लीक हुआ है उससे पता चलता है कि फिलहाल तो ये स्मार्टफोन का केवल एक ही कलर वेरिएंट है, जो कि है सिल्वर। एंड अभी अगर हम रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो जैसे ही मैंने पहले भी बताया कि स्मार्टफोन के 4 डिफरेंट वेरियंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये 4 डिफरेंट वेरियंट्स में 6GB रैम, 4GB रैम एंड 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो प्राइसिंग के बारे में बात करें तो जैसे कि कंपनी सजेस्ट करता है कि ये फोन प्रीमियम कैटेगरी में रहेगा, तो इसका प्राइसिंग 30,000 के अबव ही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात ऑनर 10 के बारे में। बट ऑनर 10 के स्पेसिफिकेशंस देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन इज़ वेरी मच सिमिलर टू Huawei P20। तो अब देखते हैं कि अप्रैल 19 को ऑनर 10 हम लोग को क्या ऑफर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू।